गुड मॉर्निंग हो चुकी है और यदुवंशी फॉर्म से आने के बाद मैंने पैकिंग भी कर लिया है। और नेक्स्ट डे जो है हमें वैसे जाना 20th को, लेकिन आज मैं सिसरी के यहाँ चली जाऊँगी क्योंकि ममता सिस्टर भी जा रही है मेरी गाजियाबाद वाली, तो वो एक दिन पहले आ जाएगी तो मैं हम दोनों वहाँ रुकेंगे क्योंकि सारी लेडीज़ वहीं की हैं, तो एक साथ ही हम लोग निकलेंगे ट्रेन के लिए। और बस समझ में नहीं आ रहा क्या क्या काम करूँ, क्या छोड़ूँ, इतना काम है घर का, ऐसा लग रहा है ये भी कर लूँ वो भी। मुझे लगता है हर लेडी की ये प्रॉब्लम होगी कि जाने से पहले बस ये ना छूट वो ना छूट जाए, जबकि हम इतना ज़्यादा क्या काम कर सकते हैं। 3 दिन के लिए जाना है तो काम तो पेंडिंग रहेंगे ही। बस लगी पड़ी, मैंने फटाफट से कपड़े धो दिए हैं, सफाई करवा दिया है, समेट दिया है, पैकिंग हो गई है, बस फिर भी बस भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ। हो गया आपके कमरे? पता नहीं, अभी कह रहे दर्शन के तो लेटर इशू हो रहे हैं और कमरों के भी हो रहे हो जाएंगे, अच्छा जब हो के आ जाए ना तब समझो। खोलो चलो, मेरा ये पार्सल आया है। खाने में क्या है आज? देखो तू भी पता एंड गाइस, आज फॉर द फर्स्ट टाइम मम्मी स्टे कर रही है स्नेह मौसी के घर। ममता मौसी कितने बजे आएंगी? 3 साढ़े 3 आ जाएगी। सने कह रही तू अभी आ जाए, मैं मेरा घर का काम नहीं हुआ अभी कैसे आ जाए। पूरा दिन बस मौसियों के घर। आलू की सब्जी बनी है, क्या बढ़िया मलाई आई हुई है गाइस। कितने पूरा फ्रिज समेट दिया मैंने, पीछे से बंद नहीं चाहिए मुझे फ्रिज में। बजे, कितने दिन बाद आओगे आप? मैं आऊंगी 20 एंड गाइस 25 दिसंबर को ये भंडारा, तो जो भी लोग मिलना चाहते हैं या भंडारे का प्रसाद चखना चाहते हैं वो आ सकते हैं नई शॉप के बाहर। न्यू शॉप है महिंद्रा बाग रेड लाइट पे, ऑपोजिट टू लक्ष्मी स्टूडियो, रानी बाग, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। अभी ये क्या मंगवाया है तूने? पिगमेंटेशन क्या होता है? क्या आया है ये? पिगमेंटेशन, पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन। ये ड्रॉप सीरम है, ये पिगमेंटेड स्किन नहीं हो जाती, डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं। और ये भी वही है। नहीं बट ये क्या है? सीरम है ये। मेरा चार्जर बाहर लगा लिया। अरे मैंने अपना बैग में रख तो मेरी क्या गलती है? खुद हांडना है तो अपना हेडेक रखो। और पता है कल मैंने सारे खटके साफ कराए आंटी से। माँ को ऐसे कहती है हांडना, और क्या, मेरे को भी यही डायलॉग मिलते हैं हांडने हंडोने के। जैसे बड़े करेंगे वैसे ही छोटे सीखेंगे। मम्मी ताजी मलाई दे देते ना जो दूध पे है अभी, वो सही होगी ना, वो ठंडी ठंडी होगी। कटोरी में दे दो एक। मम्मी मीनू दीदी का फोन। ओ मेरे सॉक्स कितनी अच्छी लग रही है। सैंटा फील्स रेडी है। आज हुआ क्या हुआ? हमने कुछ गलत खाया? सुबह उठे क्या हुआ? नहीं तो हम तो हर महीने ही जाते हैं, कभी दिक्कत नहीं आती। इतनी फर्स्ट टाइम आई है मैं तो। अच्छा सब्जी वाली 85 अच्छा बिपासी वो 85 मेरे को आती नहीं है ना हिंदी इंग्लिश। प्रिया आपके घर में प्रिया की शादी देखी, बहन की बेटी की शादी देख ली, हाँ जी की जाने का देखा, सब देखा मैंने आपके घर में। चलो जी हमने दिखाया ना तो आपने देखा हमारे घर में। हाँ। मैं तो शादी से पहले भी बन गई थी, घर बैठी बैठी भी दादी नानी। नहीं स्वीट 16 चल रहा है इनका, इनका स्वीट 16 खत्म नहीं हो रहा। मैं उल्टे में चल रही हूँ, रिवर्स हो गई हूँ। आप बहुत प्यारी लगती हो, बिल्कुल मत सोचा करो कुछ पहनने से पहले, कुछ खाने से पहले। आप तो पता है, आप तो मैंने पहनने के लिए सोचना छोड़ दिया, मैं सब कुछ पहनने लगी, कोई कुछ भी बोले। अगर
हाँ पहले तो स्ट्रगल किया ना उस फेज में, तो हस्बैंड का साथ ही दिया। हाँ अब जाके अपने पैसों पे तो आज कर रही है, करेगी क्यों नहीं करेगी, उसको भी कराएंगी। सही बात है, बेटा बेटा तो मेरा खैर बहुत समझदार है, बस मुझे यही चिंता है कि बस बहू अच्छी आ जाए, जैसे मेरा बेटा अच्छा है ऐसी बहू आ जाए, क्योंकि एक वही होता है ना पूरा घर एक ही औरत जोड़ेगी फिर। ये तो बहुत मैटर करता है, अगर एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है पूरे घर का माहौल हमारा कैसा होगा। बताओ कोई लड़का दीक्षा के लिए, मेरे को सब यही कहते हैं। अच्छा आप पंजाबी हो क्या? आपकी बेटी हैश करेगी लेकिन नहीं सोचते कुछ। वैसे बताओ आज अब हमारे बनिए भी नहीं सोचते, पहले सोचते थे बहुओं के लिए, अब तो बहुत चेंजेस आ गए, अब तो बनियों में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। नहीं वैसे भी अब जैसे हम लोगों को, मेरे को लगता था ना जैसे मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो मेरे को तो ये प्लेटफॉर्म ना अच्छा मिल गया, मतलब घर पे रह के। तो यार मेरे लिए तो आंटी तो मना कर रही थी चाय पीने के लिए। तो मेरा तो पता है क्या है, देखो मेरे लिए तो ये YouTube का प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, क्योंकि मैं कभी मैंने जॉब नहीं की थी, मैं कभी बाहर नहीं निकली, तो मेरे को यही लगता था क्या करूं मैं। कहते ना आंटी कि जब जरूरत पड़ती है तो इंसान सब सीख जाता है। मेरे पास थकने का टाइम नहीं था ना, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करना, तो मैं थक कैसे सकती हूँ। अब हो गया, जब हमने बेचा था ना हमें कुछ नहीं मिला था बेचने पे। हाँ, तो ढाई पौने तीन करोड़ का, अब तो हाँ अब तो इतने का होगा। और मेरी तो पता है मेन लोकेशन जो आप देखते हैं ना बिल्कुल गेट के सामने वाला कॉर्नर का फर्स्ट फ्लोर मेरा ही था, जो बिल्कुल पीक होता है एकदम सामने, मतलब हाँ मेरा तो मतलब बिल्कुल लोकेशन इतनी बेस्ट थी कि मतलब उस टाइम मैंने 18 लाख का लिया था, बस 18 लाख का लिया था मैंने, रॉ लिया था बिल्कुल। और मैंने मतलब उसको जो रेनोवेट कराया था ना, दूर दूर से लोग देखने आते थे कि फ्लैट है वो, तो ऐसा मेरे बाथरूम में स्टीम बाथ भी लगवाई थी मैंने अपने बाथरूम में उस टाइम पे। ये हमने एक साल भी नहीं रहे, हम इतनी परेशानियां आ गई हमें, एक साल भी नहीं रहे उस मकान में, एक साल में कि बीच बीच में भेज दिया, मतलब बहुत दूर दूर से लोग देखने आते थे, मतलब इतना अच्छा बनाया था मैंने, बहुत बढ़िया। मतलब उस टाइम क्या है मॉड्यूलर किचन ना चली चली थी, फर्स्ट मेरी किचन बनी थी, देखने वाली थी मेरी किचन जब मेरी बनी थी। और आगे जी बुरा मत मानना, अगर बोला जाए ना तो आप अपने ससुराल में सबसे अलग और यूनिक हो। तो आपको नजर लगाने के लिए 20 लोग खड़े हैं। आप ये की मानो, मैंने ना दीक्षा के ब्लॉग, आप मेरी बात को नेगेटिव मत लेना, मानती हूँ बहुत अच्छे घर में रहती है, मगर वही घर अगर आपका होता ना वो बहुत अलग होता। ये तो सही गारंटी है, उनके घर में बड़ी सारी चीजें लगता है कि जबरदस्ती थोप रखी है। हाँ बिल्कुल स्टाइल है, यही घर अगर मैं आपको रॉ दे दू ना तो आप उसको महल बना दोगे। पता नहीं भाई, हमने 2 BHK को भी ना बहुत साफ सुथरा रखा, आपका घर कभी भी गंदा नहीं दिखता ब्लॉग में। यार चक्कर क्या है, ड्रैकिंग बात क्या है,
हम ना 24 घंटे हमारा बैठना ड्राइंग रूम में ही है। अब हमारा पता क्या है, 24 घंटे आप यकीन मानोगे, सिर्फ बेड बेडरूम में ना सिर्फ बिल्कुल सोने के टाइम पे जाती हूँ मैं, बिल्कुल जब सोना होता है मेरे को। अब मेरी मम्मी यही बोलती थी, कहती देखो मेरी मम्मी का क्या कहना था पता है, गृहस्थ घर के में ना कभी सफाई नहीं रह सकती, क्योंकि देखो असहण घरों में सफाइयां रहती है जहां कोई आदमी नहीं होते। अब हमारे घर में बच्चे भी हैं, आदमी भी हैं। अब जैसे क्या, हम छोटे थे ना, जब हम खुद मैं सफाई करती थी, मेरे चाचा के बच्चे आते थे, मैं लड़ती थी हटो पोछा कर, तो मेरी मम्मी डांटती थी हमें, कह रही तुम असहणी हो क्या, आदमियों के घर में सफाई कैसे रहेगी, बच्चे तो घूमेंगे, तुम्हें लगाना है पोछा लगाओ मत लगाओ। चलिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे कुछ सीखा। नहीं देखो हमारे तो कह रहे हमारी मम्मी, हमारी देखो पूर्णिमा जी मम्मी की आदत ऐसी थी ना, वही बातें हमने सीखी है। मेरी मम्मी शुरू से गृहस्थी में रही, छोटे छोटे मम्मी के बहन भाई थे, शादी हुई छोटे छोटे देवर नंद थे, 3 साल की थी उनकी नंद जब शादी हुई, तो उन्होंने जैसे गृहस्थी में रहे ऐसी मैं आई, तो यहाँ पे भी मेरी ज्वाइंट फैमिली थी तो मैंने भी संभाल ली अपनी ज्वाइंट फैमिली। पता क्या है, वो वाली चीज को हम लोगों को सिखा देते हो कि एक टाइम के बाद ना ये खूबसूरती काम नहीं आती, हुनर ही काम आता है। लगे पड़े हैं जी पूर्णिमा जी, लगे पड़े हैं। अभी तो मैं थक भी नहीं सकती भाई, मुझे अपने बच्चों को सेटल करना है, बच्चों की शादी करनी है, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती। दीक्षा का पत्ता साफ। हाँ बहू को सिखाएंगे ब्लॉगिंग, बहू को पोता पोतियों को, पोता पोतियों को भी सिखाऊंगी। जैसे पता है आपको, पता है गुल्लू है ना गुल्लू, अब जैसे खेली जाती है पार्क में, तो पता है क्या कहती है भाभी जी को, नानी कैमरा ऑन करो मैं डांस करूंगा, नानी कैमरा ऑन करो मैं झूल, मतलब उसको ये पता है कि वीडियो बननी है। जिस बेटी ने बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र में आपको हेल्प कर रही है, जान ले लो उसकी। हाँ भाई मैं तो खुद कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ, मैंने कहा वो इतना स्ट्रगल कर रही है ना, इतना स्ट्रगल कर रही है, मैं कहती हूँ कोई नहीं कर सकता इतना स्ट्रगल। राखी जी जिस तरीके से आपकी बेटी है ना इतनी सुंदर, कोई और होती है ना 3-4 को मारी होती है। नहीं मैं तो पता है अपने भावेश को भी कितनी चीजें बोलती हूँ, मैंने कहा ये इसकी मेहनत का है भावेश, ये इसका है, कहता हाँ मम्मी मैं कौन सा ले रहा हूँ, मैं उसको भी बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा ये इसकी मेहनत का है, ये इसका है। वही तो बात है, मैं यही बात तो सबको बोलती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ कि देखो जितना, जैसे वो कभी कुछ बोलते भी ना वीडियो के लिए, मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा ये देखो वो बंदी कितनी मेहनत कर रही है, हमें तो 1 सेकंड लगता है जबान हिलाने में, वो 3-3 बजे तक जागती है, 4 हम लोग पता है सुनो। वो तो मेरे को पता है, मैं तो कहती हूँ, मैंने कहा भगवान इसको इतनी खुशियां दे, बहुत अच्छे घर जाए, जितना स्ट्रगल यहाँ देखा है ना वहां ना कुछ देखना पड़े बस। आप चिंता मत करो पूर्णिमा जी, कार्ड भेजेंगे पक्का। कार्ड आएगा अच्छा मेरे पापा नहीं मेरी मम्मी है, मगर आप मुझे रोज
करते हो कि अच्छा इंसान अच्छी माँ कैसे बनना है। बस मैं क्या कहूँ। यार मैं क्या सिखाती हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता। मैं तो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैं किसी को क्या सिखाऊंगी ये बताओ। नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपनी बेटी की कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने अभी दीक्षा को भी सेम बात बोली थी। हाँ। मैं रितेश को भी कहती हूँ कि अगर इस घर में किलकिल नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, पैसों का मुद्दा नहीं है, तो वो सिर्फ मेरे ब्लॉग्स का कमाल है जो मैं गोयल नोक झोंक रोज क्योंकि मैं उनसे रोज सीखती हूँ कि कम पैसों में कैसे जिया जाता है। भाई हम तो कर रहे हैं अपना। अब हमें पता है ये भी कमेंट आते हैं, आप पैसे क्यों नहीं सेव करते हो, उड़ा रहे हो। अरे भैया मैं कहती हूँ अब तो मुझे मुश्किल से तो लाइफ मिली है, आप यकीन मानोगे एक एक चीज के लिए हम इतना तरसे हैं ना, मैंने कैसे लाइफ निकाली है। मतलब आप ये देखो, मैं अपनी जर्नी ना मतलब पूरी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वीडियोज में। तो मैं यही तो, हमने कभी वीडियो में कहा है कि भाई हमें 100 रुपए चाहिए, हमें 1000 रुपए चाहिए, या हमें नहीं, मतलब कमाल है। बाकी दोनों दिल से ना टच भरे पूरे परिवारों में ही है दोनों, और आप जो कर रहे हो ना आप फिर भी नहीं शो करते हो कि मैं इनसे वीक क्यों वीक हूं, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूं। मैं तो पता है ये बात ना आप गर्व से कहती हो, अब कहती हूं ये बात, मैंने कहा तुम्हें क्या है, तुम्हें तो अपने पतियों से मिलता है, मैंने कहा मैं तो खुद कमा के अपने पैरों पे खड़ी हूं। ये तो बहुत बड़ा फैक्ट, मेरी मम्मी भी जॉब करते थे जल बोर्ड में ना। अच्छा अच्छा। आप पता है मुझे दीक्षा यही कहती है, कहती मम्मी अगर तुम स्ट्रगल ना देखती ना तुम आज यूट्यूबर ना होती, कह रही है देखो ये तुम्हें लाइफ ही इसलिए मिली है। अब जैसे आप पता है कि आप रिलेटिव्स हमारे क्यों बोलते हैं, उनको जरूरत नहीं है, पूरा पैसा भरा पड़ा है, उनको क्या जरूरत है, मतलब वो इसीलिए बोलते हैं हम लोगों को। नहीं मैं तो देखो मेरे को तो आज पता क्या है, एक पहचान दिया मुझे यूट्यूब ने, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी छोड़ पाऊंगी, मुझे जो मुझे खुद की थिंकिंग है। टाइम पास नहीं पूर्णिमा जी, इस टाइम तो मेरे मतलब इतना अच्छा हो गया मेरे लिए सब कुछ, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती यार। मेरे को तो यूट्यूब ने वो दिया है ना, इतनी रिस्पेक्ट दिया है, मतलब इतना, मैं कहीं भी चली जाती हूँ ना मैं आपको बता नहीं सकती, लोग पता है छू छू के देखते हैं कि हाय हमने आपको छू लिया, आप राखी जी यार, मतलब क्यों करते हैं लोग, कभी सोचा आपने, क्योंकि आप अपने 10-15 मिनट के ब्लॉग में ना जितनी आपकी जनता है सबको रिस्पेक्ट देके जाती हो। यार मेरे को पता ही नहीं, मतलब मैं बल्कि पूछती हूँ उनसे। अब मैं पता है मंदिर गई, मंदिर में मुझे कोई मिला तो क्या कहते हैं वो कि मतलब मंदिर में क्या कहते हैं, भगवान कुछ और मांग लेते। मैंने कहा अरे भगवान से, भगवान को मांगो, राखी जी को क्या मांगा, मतलब कि आप हम मतलब आप हमें मिल गए, इससे ज्यादा मोर क्या मांग सकते थे भगवान से। आपने वो क्विड की वीडियो डाली? हाँ। दीक्षा से पूछना, शायद 10 मिनट में देखी थी मैंने, मुझे पूछना ही नहीं है कुछ, मुझे तो चाहिए क्योंकि राखी आंटी के घर से आई है। नहीं पूर्णिमा जी ऐसा कुछ नहीं है। यार पता है क्या है, वीडियोस बनाना मैनेज करना बहुत मुश्किल, स्टोरेज है, स्टोरेज की भी दिक्कत है मेरे को एक तो, और ऊपर से ना पूरा स्टॉक ला करके पूरी वीडियो बनाना, फोटो, चक्कर क्या है दीक्षा पे डबल प्रेशर बढ़ गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हमने किसी को हायर तो किया नहीं है, भावेश सारी पैकिंग करता है, कोरियर निकालता है, वो दीक्षा पूरी वीडियो बनाना, पूरी फोटोज खींचनी, पूरा मेंशन करना। बल्कि दीक्षा तो कह रही थी, कहती मम्मी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा देखते हैं दोबारा से करते हैं। यार चक्कर पता है क्या है, मेरे से ना हल्के पे हाथ चलता ही नहीं है, वो लोग हल्का भी दिखाते हैं, मेरे हाथ चलता ही नहीं क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। हाँ ये काम मत बंद करो, मैं तो आपको यही राय दूंगी, करो शुरू थोड़े लेवल पे करो, लोगे रख लेना, और आप अपना ध्यान रखना मगर ये सब करते टाइम। क्यों नहीं बेटा थक नहीं रही हूँ मैं, बढ़िया हूँ, अभी कुछ नहीं पता। तो एक मामा से घी का टीम मंगवा लो ना, 1 किलो। आप हमें मिले नहीं हो बट आप भी हमारी माँ हो।
आप चिंता करो, मैं सबकी माँ हूँ। अरे नहीं, 25th को आओ आप मेरे से मिलो। 25th को लगा रहे हैं हम दिसंबर में ना शॉप के बाहर। और बल्कि आप तो बटवाना, पुण्य तो कमाओ थोड़ा सा बटवा करके। तो फिर आओ ना, इस बार तो अम्मा जी के लिए लगा हुआ है, पुण्य तो कमाओ अम्मा जी के नाम पे। घी के दे रही है 1000 रुपए, ये ला देगी। शादी चल रही है, मेरे को तुझे बुला लेती मेरी टीचर ने मेरी। अरे शॉप पे पकड़ा दी। हां नहीं है ना, नहीं नहीं है, शॉप पे पकड़ा दे, मैं शॉप से ले लूंगी। बहन मैं हुई नहीं, मैं जा रहा हूं टीचर। मुझे लगता है कोई टीवी एक्ट्रेस चल रही है मेरे सामने। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जो है ना आओ 25th को आओ, बल्कि टाइम से आओ। भंडारा बंटवाना है, खाना मत बनाना, बच्चों को भी लेके आना, यही खाना है। हाँ पक्का। और आप भी दोबारा बिजनेस करोगे हमारे लिए? हाँ हाँ, दोबारा रीस्टार्ट करूंगी, मैंने सोच लिया है। करना है आपको, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। नहीं करूंगी काम पक्का। हमारी राखी आंटी जल्दी से 5 BHK में जानी चाहिए। आपके लोगों का प्यार रहे बस इस तरह साथ में। अच्छा अच्छा, आप भी हो? अच्छा।